कन्नौज में कल हुई बच्चे की निर्मम हत्या का आज सीओ निका यादव ने खुलासा किया। खुलासे में सीओ ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने दो दिन पहले 12 वर्षीय विशाल का अपहरण उसके घर तिरवा कोतवाली के फगुहा से कर लिया था, जिसके बाद आरोपी भरत ने नशीला इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने गुरसाहेगंज कोतवाली क्षेत्र के रामाश्रम के पास बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के चेहरे को तेजाब से जला दिया। हत्या आरोपियों के अनुसार उसके भाई की हत्या मृतक के भाई ने 3 महीने पहले कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए विशाल की हत्या कर दी गई। दो अभियुक्त मृतक की माँ को बुलाया गया, वहाँ पे उससे पहचान कराई गई। अभी दो लोग तो हमने हिरासत में ले लिया है, बट आगे जांच से पता लगेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे टोटल।